हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं देवव्रत राय पश्चिम बंगाल से। दोस्तों आज तो लाइव ही आने वाला था, लेकिन अभी मैं हूँ बाहर और यहाँ पे जो है अभी हूँ मैं फॉरेस्ट पे और अभी जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। तो जो भी है कुछ बातचीत करना था प्रोजोन रिगार्डिंग। तो दोस्तों आज जो है आप लोगों को MD सर का जो है एक क्लिप मिला होगा। काफ़ी थैंकफुल हूँ उस वीडियो के लिए। आखिर तक उनका उनके कान में जो है ये मैसेज गया और उन्होंने जो है एक अच्छा रिप्लाई भी हम लोगों को किया। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हो MD सर के मुंह से ही जो है हम लोग कुछ अपडेट्स मिले, क्योंकि अपलायंस से ज़्यादातर अपडेट्स जो है हम लोग को नहीं मिलता और हम लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो अच्छा ही है। और एक चीज़ MD सर ने अच्छा बताया कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सही नहीं होता है। तो बिल्कुल सर जी ने जो है सही कहा था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ, तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो गलती होगा सभी के लिए। तो जो भी हो हम लोग तो यही चाहते हैं कि सर जो है आप अपना ऐसे ही अपडेट देते रहिए वीडियो या ऑडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारा कंपनीज़ का MD भी जो है हम लोग देखते रहते कि ग्रुप में हमारा जो है ऑडियो मैसेज देता है, अपडेट्स देता है, नहीं तो खुद का जो है यूट्यूब चैनल बना के वहाँ पे भी अपडेट देते हैं। तो लोगों का बिलीव और ट्रस्ट और राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को टाइम टू टाइम मिलता है। अभी बातचीत करेंगे कुछ प्रोजोन के रिगार्डिंग ही सर, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था और आज का वीडियो मैंने भी जो है आप लोगों ने सुना है कि प्रोजोन का जो है डीमेट अकाउंट जो है चालू हो रहा है। मतलब प्रोजोन का तो नहीं है लेकिन डीमेट अकाउंट लिंक्ड होगा उसके लिए जो कंपनी का और एक वेबसाइट जो है आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट आ गया है। और कुछ दिन पहले भी हम लोग उस वेबसाइट के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन करवाए थे कुछ लोगों का, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो वेबसाइट जो है क्रैश हुआ और पूरा डेटा जो है क्रैश हो गया था। तो अब नया जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो वेबसाइट के ऊपर, उस वेबसाइट का लिंक मैं जो है इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप लोग जाइए और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि अपडेट तो आपको मिला ही है कि जो भी पेंडिंग पे आउट है, जो भी पेंडिंग पे आउट है वो हम लोग को 25 इसी महीने का 25 तारीख के अंदर सारा का सारा जो है अपना बैंक अकाउंट के अंदर अंदर जो है आ जाएगा। और उसके बाद जो भी पे आउट है अभी उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि उसमें नेक्स्ट जो पे आउट है वो क्या डीमेट अकाउंट पे ट्रांसफ़र होगा हमारा अर्निंग, या शेयर ट्रांसफ़र होगा, या पूरा का पूरा जो हमने निवेश किया था वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो इस जगह पे भी कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी हम लोग को ये करना है कि जो नए वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पर जाके हमको फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे कुछ पैकेज दिया गया था। मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि पैंट्स है उसमें 2-3 पैंट्स है 5,000 के पैकेज पे, उसके बाद 15 से लेके 60,000 का पैकेज में जो है दोस्तों वहाँ पे कुछ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो सारा का सारा कुछ ठीक ही है अभी तक मुझे लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल जो है इसमें मेरे हिसाब से, मेरे टीम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे टीम के लिए मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये पेमेंट जो है हम लोग का अभी पेंडिंग है वो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग जाके नए प्लेटफॉर्म पे जाके उसमें काम स्टार्ट करेंगे। उसमें 5,000 हो, 15,000 हो, 30,000 हो, जो जो जिसका जो भी नीड है उस हिसाब से वो हम लोग जो है उसमें अपना ID को टॉपअप करेंगे। ओके, अभी इसमें एक प्रॉब्लम तो यह आ रहा है कि जो लोग भी जैसे हम लोगों का निवेश थोड़ा सा अच्छा अमाउंट है, हम लोग तो उसमें जाके 5,000 या 15,000 जो भी पैकेज इसमें हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इशू वो उन लोगों के लिए आएगा जो लोग इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आए लगभग मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब यह है कि जो लोग भी प्रोजोन में पुराने अकाउंट में 10,000 से आए थे, तो उन लोगों का क्या, उन लोगों को फिर से जो है 5,000 डालना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक एक दो पेमेंट मतलब 500 या 1,000 के ऊपर तो उन लोगों के नहीं आया जो लोग भी नए नए इसमें जुड़े हैं। तो कुछ कन्फ्यूजन तो अभी भी है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है नहीं होता है। लेकिन अभी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और उसमें जो लिंक है उस लिंक में जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए। मैं पूरा जो है डिटेल्स वीडियो के नीचे डाल दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, चाहे तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैंने जो है अपने ग्रुप में प्रोमोट भी किया था नए लिंक का, तो कुछ कॉल्स या कुछ मैसेज ऐसे भी मेरे पास आया कि सर मैं तो दूसरे टीम का हूँ, क्या मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि सर पुराने प्लान में आप किसके साथ भी हो वो मैटर नहीं करता, नए प्लान में आप किसके साथ आएंगे वो डिसीजन आपका है, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपका ही है, तो ये डिसीजन भी जो है वो आपका ही रहेगा। ओके, उसके बाद ये प्रोसेस है कि डीमेट अकाउंट
जो है वो फ्री में खुल जाता है या कुछ भी अमाउंट से ज़्यादातर तो फ्री में ही खुल जाता है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट खोल के जो है आपको रखना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं, 25 तारीख का मैं भी वेट करूँगा। 25 तारीख तक जो भी पे आउट आ जाएगा, और 25 तारीख से पहले हम लोग जो भी इसमें हम लोग प्रोजोन में काम कर रहे थे वो जो है अपना अपना टीम को सजाएंगे फ्री में, ओके। उसके बाद जब भी वो हमारा पे आउट जो है रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सभी मेंबर्स के पास से डेटा लेके जो है हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, और फिर से थैंक यू प्रोजोन का MD सर को, जो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है आपने, और ऐसे ही आप काम करते रहिए, और ऐसे ही हम लोग का जो भी मतलब जो लोग भी इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उम्मीद रख के कि प्रोजोन एक अच्छे और लंबा विजन के साथ इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में आए हैं, तो हम लोग का बहुत सारा उम्मीदें भी है, तो आई थिंक ये उम्मीद सारा कुछ ठीक ठाक होगा। तो अभी देखते हैं, वेट कीजिए, जब भी मेरे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा कल, आई थिंक डेफिनेटली प्रोजोन का ये जो कुछ सवाल है कि भाई जिन लोगों का 10,000 है वो लोग क्या करेंगे, या डीमैट अकाउंट पे लिंक होके, अभी कुछ सवाल तो ऐसे भी आ रहा है कि सर देखिए अभी मार्केट है, ठीक है ना, ये मार्केट है बेसिकली, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग हम मुझे पर्सनली जानते हो, मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता हूँ लगभग 2-3 साल के ऊपर ही हो गया, और इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी फॉरेक्स में कर रहा हूँ लगभग 7-8 महीनों से। तो एक कन्फ्यूजन यहाँ पे है, जैसे कंपनी बता रहा है कि जो भी आपको टिप्स प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे मिनिमम जो है 1.6-2% आपको वैसे ही अर्निंग आएगा, लेकिन मुझे जितना एक्सपीरियंस है क्रिप्टो में तो पॉसिबल है, मुझे पता है, और फॉरेक्स में भी चांसेस है, क्योंकि बहुत फ्लैक्चुएट मार्केट है, वहाँ पे अर्निंग किया जाता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा रिटर्न देना क्या पॉसिबल है, मुझे पता नहीं है। हो सकता है अच्छे जो ट्रेडर है वो लोग ट्रेड करके इतना प्रॉफिट जनरेट करके भी दे सकता है, क्योंकि मुझे जितना पता है कि ये मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, कोई ना कोई दिन प्रॉफिट में जाता है, कोई ना कोई हफ्ता जो है लॉस में जाता है। जो भी हो, अपडेट जो भी मिलेगा मुझे, मैं जो है आपको प्रॉपर देता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, ताकि जो हर एक अपडेट है रिगार्डिंग प्रोजोन या ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड जो भी अपडेट्स है मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, टाटा बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।